हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जहां पे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे जहां पे इंस्टाग्राम की जहाँ पर मुझे अपना स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे हैं स्टोरी के, कि जहाँ पर जैसे वो अपने स्टोरी के व्यूज़ देखने के लिए ऊपर जहाँ पर स्क्रोल करते हैं कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है, अपडेट ऐप टू व्यू इनसाइड। दोस्तों, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है और आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी के व्यूज़ कैसे देख सकते हो, कैसे आप जहाँ पे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो रहेगी, एंड तक देख लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपने इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप जहाँ पर पूरा इंस्टाग्राम की स्टोरी का जो एनालिटिक्स है व्यूज़ का, वो आसानी से देख सकोगे। जैसे ही आप इसको अपडेट कर लोगे, उसके बाद जैसे ही आप जहाँ पे स्टोरी के व्यूज़ ऊपर स्क्रॉल करोगे, जहाँ पे आपको पूरा दिखा दिया जाएगा कि आपके व्यूज़ कितने आए हैं, इंगेजमेंट कितनी है, आपकी स्टोरी देखने के बाद आपकी प्रोफाइल पर किसने विजिट किया है वो भी आपको जहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाएगा, और आपकी स्टोरी देख के कितने लोगों ने आपके अकाउंट को फॉलो किया है वो भी आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये सब नहीं देखना, सिर्फ स्टोरी के व्यूज़ देखने हैं, तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत जहाँ पे नहीं है। सिंपल सा व्यूज़ पे क्लिक करके अपने व्यूज़ आसानी से जहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे 2 सेक्शन बनी हुई होती हैं, एक व्यूज़ वाली और दूसरी जहाँ पे पूरा डेटा देख सकते हो वो वाली। ठीक है, आप आसानी से व्यूज़ भी देख सकते हो और पूरा डेटा देखने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट करने की ज़रूरत भी आपको पड़ सकती है। इस वीडियो में बस इतना है। अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं दोस्तों आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।